राजधानी दिल्ली में मैली यमुना पर चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देते हुए कहा है कि यमुना मेरी जिम्मेदारी है और अगले चुनाव तक ये साफ हो जाएगी। इस मामले में वह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। ये 70 साल की समस्या है, इसके लिए उन्होंने 5 साल का समय मांगा था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हो गई है, इसीलिए थोड़े वक्त की और जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहते दिखे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव तक यमुना साफ हो जाएगी और इसमें दिल्ली की जनता की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर के बाद जो प्रदूषण बढ़ता है वह पराली के धुएं से बढ़ता है। पंजाब के किसान कहते हैं कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये काम हो जाता है, लेकिन दिल्ली को तो नुकसान पहुंचता है। दिल्ली ने इसका समाधान निकाला है, पराली सोना बन सके इससे बिजली और कोयला बनता है। हनुमान चालीसा पढ़ने और अयोध्या जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करके क्या उन्होंने कोई गलती की है? क्या प्रभु रामचंद्र के दर्शन करना पाप है? हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या अपराध है? उन्होंने कहा कि जब वे ऐसा करते हैं तो दूसरी पार्टी वाले उन्हें गाली देते हैं। भगवान राम का जीवन, उनसे प्रेरणा और उनका आचरण असली हिंदुत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, उनसे प्रेरणा और उनका आचरण असली हिंदुत्व है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।